हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस पर। आज जो हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी यूथ की बुक है। आप सभी लोग चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो। ये यूथ की बुक है जिसमें लगभग जितने भी रेलवे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग से, जैसे रेलवे ग्रुप डी का बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, NTPC, RRB, JEE, RPF कांस्टेबल, पैरामेडिकल, ALP स्टेज 1, ALP स्टेज 2 और ETC, मतलब जितने भी रेलवे ने रीजनिंग के सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे सवाल हम आपको सॉल्व करवाएंगे आपके रीजनिंग बाई हाईवे क्लासी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बिल्कुल पहला लेक्चर है, इसमें आपको किसी को कोई समस्या नहीं है। ये यूथ का जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें ये पहला लेक्चर है और हम आपको सारे कंप्लीट यहाँ पर जो भी हैं जितने भी चैप्टर रीजनिंग के बनते हैं वो सब के सब पढ़ाएंगे। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सादृश्यता है, यानी कि एनालॉजी जो हम लोग पढ़ लेंगे। एनालॉजी में कई टाइप बनते हैं, उसमें ये टाइप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान दें, ये टाइप नंबर पहला टाइप नंबर है और जिसकी ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और इनका बिल्कुल सरलतम रूप आपको डिस्क्रिप्शन में बताते चलेंगे। साथ साथ में कुछ फैक्ट है वो भी बताते चले जाएंगे कि भाई गलती ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ओके, तो चलिए, तो यहां से ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं, ये 25 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक, तो देखिए एक बार हम ऊपर वाली लैंग्वेज पढ़ देते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से, यानी कि तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द, मतलब ये दूसरा शब्द जो है ये पहले शब्द से जैसे संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द किससे संबंधित है। तो देखो, जब हम लोग परीक्षा में होंगे तो ये पूरी जो लैंग्वेज है ये हम लोगों को नहीं पढ़नी है। सिंपल से आपको त्वचा देखना है, त्वचा बाल से संबंधित है, यानी कि आप समझ सकते हो त्वचा पर क्या उगते हैं, मतलब त्वचा पर क्या उगते हैं, बाल। तो भूमि पर क्या उगेगा, तो भूमि पर भैया घास उगेगी। ठीक है, ये देखो ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही हम क्वेश्चन कराएंगे। सुई से टांका लगाते हो, सुई से टांका लगाते हो, चाकू से कट लगाओगे भैया, चाकू से कट लगाया जाता है। अगला है पेट्रोल गाड़ी, यानी कि पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है और बिजली से क्या चलेगा भाई, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, बिजली से क्या चलेगा, माल, अंधेरा, कच्छ, बल्ब, बिजली से बल्ब जलेगा। हरा रंग होता है भैया, हरा क्या होता है, रंग होता है। सेब क्या होता है, सेब देखना, यहाँ चीज देखो, ये ना कहना कि सेब लाल होता है, यहाँ से आपको वो बता रहा है कि जो हरा है वो रंग है, तो सेब क्या है, वो फल है। यहाँ पर काफ़ी बच्चों कन्फ्यूजन होगा लाल में, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा लाल में, क्योंकि यहाँ आपसे ये नहीं पूछ रहा है सेब का कलर कौन सा है, वो ये नहीं पूछ रहा हरे का कलर कौन सा है। हरा एक प्रकार का रंग है तो सेब एक प्रकार का फल है, यहाँ से ये गलती होने के चांसेस देखिए। यही तो है, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे तो यहाँ पर आपको टाइप वन में जितने भी 50, 60, 70 क्वेश्चन हैं सब कराएंगे। देखो, कार्य का मतलब है प्रयास करना, मतलब कार्य का मतलब सीधा है प्रयास करना, कार्य और प्रयास भैया, कार्य और प्रयास। सोना का संबंधित है आराम करना, मतलब कार्य से प्रयास होगा या प्रयास से कार्य, तो सोना आराम से संबंधित है। ठीक है, आप समझ गए। अगला है गेंद को फेंकाना, भैया गेंद है फेंकना, कुत्ता थपथपाना, हॉकी गेंद, गेंद बल्ला, फुटबॉल किक, ये देखो ये सही है। तो जिस सेंस में गेंद को फेंकना होता है भैया, गेंद को फेंक कर खेला जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल को किक मारकर खेला जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कवि से कवि कौन लिखता है, कविता भैया, कवि क्या लिखेगा, कविता, या कवि का काम क्या है, कविता लिखना। तो मोची का काम क्या है, मोची का काम क्या है, जूते, कपड़े, मांस, मोजे। तो मोची क्या करता है, तो आप समझी गए होंगे, तो यहाँ मांस, मोजे, कपड़े नहीं, ये मोची हो जाएगा, मूचे जो मोची जो है वो आपके जूते सिलने का काम करता है। लोहा, बहुत सही, ये साइंस का क्वेश्चन है। देखो लोहा को यफी से लिखते हैं और ये हम बताते हैं, यफी जो होता है वो 26 पर होता है और इसका परमाणु जो भार होता है वो 56 होता है। ठीक है, चांदी को किससे लिखते हैं, चांदी को भैया Ag से लिखते हैं, ये चांदी से Ag हो जाएगा, और चांदी को 47, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 47 होता है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल था, ये साइंस का था। मोनार्क, तो मोनार्क डैश एनाकोंडा कोबरा, ध्यान, तो एनाकोंडा कोबरा जैसे है, तो मोनार्क क्या है, क्वीन, तो यहाँ पर बटरफ्लाई, रॉयल, वेनम, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्वीन होगा यहाँ पर। छाया, छाया से आता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश से छाया बनती है, ये भी कह सकते हो भैया, जो प्रकाश से छाया बनती है, तो परावर्तन किससे बनेगा, तो जल में परावर्तन होता है। ठीक है,
अगला, रसायन, रसायन विज्ञान में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं भैया। एक चीज देखो, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये आप रीजनिंग में पढ़ जरूर रहे हो। रसायन विज्ञान में जब आप रसायन पढ़ते हो तो जो उसमें परमाणु होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, सबसे छोटा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए परमाणु बड़ा है या अणु, तो ध्यान रखना है भैया मेरे, परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है, यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट है वो परमाणु है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, जीव विज्ञान में सबसे छोटा क्या होता है? अणु, बायोमेट्रिक, न्यूरॉन, कोशिका है, सेल, यानी कि भैया सबसे पहले होता है सेल, और सेल से बनता है टिश्यू, जिनको हम लोग ऊतक कहते हैं, ऊतक से बनता है ऑर्गन, और जिसको हम लोग अंग कहते हैं, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, जिसको हम लोग तंत्र कहते हैं, और तंत्र से बनता है बॉडी, जिसको हम लोग शरीर कहते हैं। तो यहाँ से सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई, ठीक है। इसी प्रकार सबसे पहले सबसे छोटा किसी भी कोई भी पदार्थ जो सबसे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये परमाणु तीन प्रकार से होता है, जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन था, तो इतना सारा हम आपने बता दिया है आपको जानकारी के लिए, तो आप ध्यान रखें इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी के पर्पज से हमने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है। अब देखो ऊपर वाली लैंग्वेज तो हमको पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। डैश स्पाइडर, यानी कि अब देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश के अगर आपको मीनिंग आता होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये लिखा हुआ, देखो यहां पर इस ब्रैक का मतलब होता है छावनी, क्या होता है? छावनी। और इस सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, आप सभी लोग जानते हैं सैनिक। और ये स्पाइडर, स्पाइडर एक प्रकार की मकड़ी, यानी कि मकड़ी। तो देखो सैनिक किसमें रहते हैं? छावनी, या छावनी किसके रहने के लिए होती जो है? सैनिकों के लिए रहनी होती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा वेव, वेव मतलब होता है जाला, जिसको या जाल कहते हैं वेव। तो आप देखते होंगे वेव पेज, यानी कि जाल तंत्र, ठीक है। वेव, वेव यहाँ पर भरा जाएगा वेव, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वेव जो है मकड़ी बनाती है और छावनी सैनिक के लिए होती है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल था। पृथ्वी, देखो जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी नीली होती है तो मंगल लाल होता है भैया, ये चीज ध्यान रखो, पृथ्वी नीला ग्रह है और मंगल लाल ग्रह है, ये आप सभी लोग ध्यान रखें। रंगमंच पर मनोरंजन होगा भैया, रंगमंच पर मनोरंजन तो होगा ही होगा, मंदिर में क्या होगा? लोग रहना, देव पूजा, तो भैया मंदिर में पूजा होती है, इसमें क्या है? गवार का उल्टा होता है शब्द, देखो विलोम शब्द पूछ लिया हिंदी का, तो मतलब समझ रहे हो, ये है एनालॉजी, गवार का उल्टा होता है शब्द, ठीक है, गवार का उल्टा होता है शब्द। अब देखिए अंधेरा का रोशनी, ये कुछ ऐसा सही लग रहा है, निरक्षर का किताब, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जंगली का जानवर, ये भी ऐसा कुछ, निर्दयी का वीर, ऐसा नहीं, ये राइट आंसर हो रहा है, उल्टा पूछा गया ना, अंधेरा का रोशनी हो जाएगा, ठीक है। पर्वत ऊंचाई, यानी कि एक चीज समझ लीजिए, पर्वत जैसे ऊंचाई संबंधित है उसी प्रकार कौन सा संबंधित है? तो देखो पर्वत में कुछ हो ना हो लेकिन ऊंचाई जरूर होगी, नदी में कुछ हो ना हो लेकिन पानी तो होना चाहिए, गुफा में क्या गहराई होनी चाहिए, बात आपस में, चांद में परछाई, घाटी में सुंदरता, भैया घाटी में सुंदरता से क्या लेना? यहाँ पर नदी में कभी कभार पानी होता भी नहीं है, तो यहाँ से ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं है, चांद की परछाई नहीं, लेकिन गुफा जो है गहराई जरूर होगी भैया, पर्वत में ऊंचाई जरूर होगी, गुफा तभी कहलाएगी जब उसमें गहराई होगी, ठीक है, ये बहुत राइट आंसर है बी। अगला है मुस्कान, हंसी से संबंधित है, तो रोना के लिए सही विकल्प क्या होगा भैया? मुस्कान और हंसी एक जैसा ही लग रहा है, रोना का क्या हो जाएगा? रोना के लिए सही शब्द तेवर, क्रोध, रोष, ये तो उसके हो गए जो है, तेवर, क्रोध, रोष, ठीक है। अच्छा देखते हैं, छूना, पकड़ना, छोड़ना, खड़ा होना, सोना, खेलना, शाम, रात, दिन, ये बिल्कुल सही, ए बिल्कुल आपका ऑप्शन सही बताया जा रहा है, लेकिन ए वाला एक मिनट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मुस्कान का, या आप ये भी कह सकते हो कि मुस्कान का बड़ा रूप है हंसी, तो रोना का बड़ा रूप हो जाएगा भाई, रो रहा है, तो यहाँ पर छूना, पकड़ना, छोड़ना, खाना, खड़ा होना, सोना, खेलना, ये तो होगा नहीं, शाम रात दिन, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में है कन्फ्यूजन, तो ठीक है, तो आप देख लीजिए हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई और है तो आप हमें बताइए और पूरा तर्क के साथ बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लेना है, कई बार क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में कन्फ्यूजन वाले होते हैं ना, वो उसी टाइप का है। चॉक ब्लैक बोर्ड, यानी कि चौक पर, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, यानी कि चौक से क्या करते हो? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो, और ये देखो टेबल, कुर्सी, कोई लेना नहीं, टाइप राइटर, दरवाजा, हैंडल, स्याही से किस पर लिखोगे? कागज पर लिखोगे। चाक पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो तो स्याही से किस पर लिखोगे? कागज पर लिखोगे, ये भी आप ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, माता बच्चा, यानी कि माता से किसका जन्म होता है? बच्चे का जन्म होता है, तो बादल, माता से बच्चा निकलता है, तो बादल से क्या निकलेगा? बिजली, मौसम, पानी, बारिश,
तो बादल से क्या होगा भाई, बताओ आप सभी लोग। बादल से बारिश ही होगी, है ना, बादल से बारिश होती है। सख्त यानी कि पत्थर, यानी पत्थर का गुण क्या है, वो सख्त होता है। नरम, नरम क्या होगा, पंख, चांद, बालू, चमक या साइन, तो क्या होगा, नरम। नरम यहाँ पर पंख हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, नरम जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से है, उसी प्रकार नरम का संबंध पंख से हो जाएगा, ठीक है, पंख नरम। ज्वार भाटा समुद्र में आता है भैया, ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र में होता है। तो डैश नदी में होता है, तो क्या चीज़ नदी में होता है, बांध, पनबिजली, अंतर्प्रवाह, किनारा, तो आप बताइए। तो आप सभी लोग जान ही चुके होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, आप उन्हीं को तो ज्वार भाटा कहते हो। तो किनारा बांध और पनबिजली से तो कोई दिक्कत नहीं रहा। अंतर प्रवाह यानी कि नदी में धीरे धीरे पानी जो चलता रहता है वो अंतर प्रवाह कहलाता है, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प में से चुनिए, तो वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है। चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो ये विज्ञान का क्वेश्चन है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। अंकुरित अनाज में क्या होता है, जल होता है, ऊष्मा होती है, वसा होती है, प्रोटीन होती है। सबसे ज्यादा आप जानते हो अंकुरित जो अनाज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, तो आपको वो खाने भी चाहिए। अगला है कि न्यूनतम अधिकतम, यानी कि न्यूनतम का उल्टा क्या होता है, अधिकतम। सबसे खराब, सबसे अच्छा, बहुत सही, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल एकदम मिल गया है, चपकाऊंगा, ठीक है। अगला, भारत बाघ, यानी कि समझ लीजिए, ये देखो वैसा क्वेश्चन है आपको स्टेटिक जीके का, भारत बाघ से संबंधित है। तो अमेरिका में क्या होता है, जो बाल्ड ईगल है, मतलब जो ईगल है वहाँ का राष्ट्रीय, और यहाँ पर पशु क्या है, बाघ है, तो यहाँ समझ सकते हैं। भारत में रुपया चलता है, स्टेटिक जीके है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलेगा, पाउंड, डॉलर, फ्रेंक, रेंट, तो क्या लगाओगे। तो अगर आपको आता होगा तो लगा पाओगे, नहीं तो फिर नहीं लगा पाओगे, इसी राजधानी सब चीज़ रटवाया जाता है। तो भारत रुपया संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका में रेंट कहते हैं। जल समुद्र से है भैया, जल कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो बर्फ कहाँ होगी, हिमनद में होगी भैया, हिमनद में, वहां से बर्फ ही बर्फ होती है ना। अगला, गौरैया दाना, भैया गौरैया को दाना जो है खिलाते हैं। रेशम कीड़ा, रेशम कीड़ा क्या खाएंगे, देखो रेशम कीड़ा मलबरी, मलबरी खाते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो मलबरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिसको हम लोग सहतूस यानी कि कीड़े का आहार जो है सहतूस पर होता है, मलबरी, रेशम के कीड़े वहीं से तो निकलते हैं, आपने देखा होगा। नेत्र से आंसू निकलते हैं भैया, नेत्र से क्या निकलेगा, आंसू। ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, ये तो बिल्कुल एकदम से मिल गया। अब ये ना देखना कि समुद्र में जल निकलता है, समुद्र में जल होता ही है, ठीक है, हृदय से धमनी निकलती है, वो चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है, तो एकदम सटीक भी है। ताप शीतल, यानी कि उल्टा है यहाँ पर, ताप का उल्टा क्या होता है, शीतल। देखो विशाल और बड़ा एक ही बात हो जाएगी, पतला मोटा ये बिल्कुल सही लग रहा है, लंबा ऊंचा एक ही बात हो जाएगी, पुरुष और शिशु एक ही बात हो जाएगी, तो यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, शोक दुखी, नहीं शोक का हो जाएगा खुशी, यानी कि आप देखो शोक का उल्टा हो जाएगा खुशी, और संशय का क्या हो जाएगा, संशय का असंशय रहित, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी का, ठीक है। अगला है, कार्य का मात्रक, देखो यहां साइंस आ गई, कार्य का मात्रक होता है जूल और पावर का होता है वाट, ये देखो। और कार्य बराबर क्या होता है, देखो हम यहाँ चीज ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, भाई साइंस है ना ग्रुप डी की, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, एफ इंटू डी, एफ डी कॉस थीटा भी वो होता है पूरा, अगर आप देखना चाहो तो कॉस थीटा। पावर को वाट से लिखते हैं, ठीक है, पी बराबर होता है, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। परिवहन, परिवहन पर माल ढोलते हैं। बैंक में क्या होता है, बैंक में धन, पाउंड, रुपया, डॉलर, तो धन। परिवहन में माल का आवागमन होता है, बैंक में धन का आवागमन होता है, ठीक है। पहिया में तिल्ली होती है, पंखा में क्या होता है, पंखा में हवा, मोटर, पंख, चक्कर, पंख होते हैं भैया, जो हवा में जैसे आप देखो छत वाले पंखे में आप देखो पंख लगाते हैं तीन, और पहिया में क्या होता है, तिल्लियां होती हैं। हंस का हो जाएगा हंसो, हंस का हो जाएगा हंसो, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को। कमीजों, कमीज, पतलून, पतलूनों, ये देखो देखो हंस एक सिंगुलर है, हंसो, और यहाँ पतलून क्या, पतलूनों, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सही मिल रहा है यहाँ पर हमारा इसका आंसर। अगला, कौन सा शब्द नीचे दिया है, वो तो हम पढ़ेंगे नहीं। होटल में मेन्यू होता है, पुस्तकालय में क्या होता है, कैटलॉग, यानी कि होटल के जो उसमें मेन्यू होता है जो, और किताब के लिए कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है, आप ये चीज ध्यान रखें। अनाज से ढेर लगाया जाता है, कागज से बंडल बनाए जाते हैं, ठीक है भैया, कागज का बंडल बनाया जाता है और अनाज के ढेर कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का उल्टा होता है अंधा, नहीं प्रकाश का अंधा, भाषण का क्या हो जाएगा,
मतलब प्रकाश है तो अंधा है, ठीक है, भाषण क्या क्या हो जाएगा, गूंगा आवाज, ये तो गूंगा ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है इसका राइट आंसर गूंगा ही लग रहा है, जिस प्रकार प्रकाश से अंधा हो जाएगा, मतलब प्रकाश का उल्टा अंधा और भाषण का गूंगा हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ उल्टा क्या। जापान में ग्रीन तीतर होता है भैया, जापान में ग्रीन तीतर, भारत में मोर होता है क्या, मोर, ठीक है बिल्कुल सही, भारत में मोर हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापते हैं, बैरोमीटर दबाव नापते हैं, हाइग्रोमीटर में क्या जाते हैं आर्द्रता, तो एक तो होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर, तो आप बताइए हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से, चलिए साइंस में बताइएगा हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। एक हो जाता है हैजा, पानी, यानी कि हैजा जो बीमारी है वो पानी से होगी, और जहर से मौत होगी, दवा से रोग होगा, और मलेरिया से, मलेरिया किसे होगा, मच्छर से होगा, बिल्कुल सही सटीक है यहाँ पर, ठीक है। हैजा कहाँ से होता है, पानी से, गंदा पानी। और पर्वत का उल्टा होता है घाटी, पर्वत का मतलब होता है कोई ऐसे ऐसे बड़ी चीज़, और घाटी का मतलब होता है ये ऐसे, तो ये यहाँ पर ये घाटी कहलाती है और इसको हम लोग पर्वत कहते हैं जिसमें ऊंचाई होती है और घाटी में गहराई होती है, तो उल्टा है। तो दुश्मन का क्या हो जाएगा, दुश्मन का दोस्त हो जाएगा उल्टा भैया। अगला, चेहरा से अभिव्यक्ति पता चलती है भैया, चेहरा देखकर उसकी अभिव्यक्ति पता चलती है। अब जैसे किसी का चेहरा है, देखकर बता दोगे कि ये लांटेन है या सही है या मतलब हंसी के मजाक में है, लेकिन अगर वैसा है तो आप कैसे बता पाओगे। तो चेहरा से अभिव्यक्ति पता चलती है। हाथ से क्या पता चलेगा, हाथ से इशारा कर सकते हो, ये डी पर लग गया, हाथ से क्या होता है, हाथ से इशारा होता है। जंगल चिड़ियाघर, मतलब चिड़ियाघर जंगल से चिड़ियाघर है, यानी कि समझ रहे हो, जैसे ये समझ लिए जंगल चिड़ियाघर, मतलब जंगल से जो भी पशु पशु ले आएंगे वो चिड़ियाघर में रखे जाएंगे, समुद्र से जो भी पशु ले आओगे एक्वेरियम में रखो, मतलब सिंपल सा सेंस लग रहा है। अगला है पृथ्वी सूर्य, यानी कि आप यूं कह सकते हो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और ब्रह्मांड अंतरिक्ष सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूर्ण करेगा बताओ। मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है चार मीनार इंडिया, यानी कि चार मीनार इंडिया है, और चार मीनार हैदराबाद तो है ही, वो हैदराबाद इंडिया में है। पिरामिड कहाँ होते हैं, मिस्र में, इजिप्ट राइट आंसर है। सुई से सिलाई करेंगे, चाकू से काटना है भैया, चाकू से काटा जाएगा। पेन से लिखोगे, चाकू से क्या करोगे, चाकू से हत्या थोड़ी ना काटेंगे, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहते हैं, भेड़, भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना, ठीक है आप ध्यान रखो, भेड़ के बच्चे क्या कहोगे, मेमना कहेंगे। मकान के अंदर घर, मकान और घर एक जैसा लिख रहा है, दोष, दोष का क्या हो जाएगा, दोष, तो जैसे मकान और घर एक जैसा लिख रहा है, जैसे दोष और सदोष एक जैसा हो रहा है, मतलब लड़का मतलब पुत्र और सुपुत्र एक जैसे होते हैं, वैसा ही संबंध है यहाँ पर। ओडोमीटर से भैया क्या मापते हैं, ओडोमीटर से गति मापते हैं, देखो स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं, ओडोमीटर में गति मापते हैं, अमीटर से क्या नापते होगा, अमीटर से करंट मतलब धारा, ये धारा है भैया, धारा किसे नापते हैं, अमीटर से। और बताइए वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, आपसे के लिए एक क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, आप इसको आंसर करिएगा। हॉकी मैदान में खेलोगे, बैडमिंटन कहाँ खेलोगे, कोर्ट पर खेला जाता है बैडमिंटन, ठीक है, स्टेडियम में नहीं, ठीक है, हॉकी मैदान में खेली जाती है बैडमिंटन, कोर्ट पर खेला जाता है। जापान की मुद्रा को एन कहते हैं, कोरिया की मुद्रा को क्या कहेंगे बताइए, कोरिया की मुद्रा को आप क्या कहोगे, कोरिया की मुद्रा जो होती है वो वन पॉइंट भाट डॉलर, वन होती है, ठीक है, वन। आर्मी सैनिक, यानी कि आर्मी जो है कैसे बनेगी, सैनिकों से आर्मी बनती है। गैलेक्सी कैसे बनेगी, गैलेक्सी एलियन से बनेगी, ग्रह से बनेगी, आकाशगंगा से बनेगी, मॉन्स्टर से बनेगी, कैसे बनेगी बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह, ग्रह से गैलेक्सी बनी, बहुत सारे ग्रह होंगी तो यहाँ गैलेक्सी बन पाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की क्या हो जाएगी, चीन की हो जाएगी बीजिंग। कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है और शर्ट जो है गारमेंट के अंतर्गत आती है, पैंट शर्ट जितनी भी है चीजें सब गारमेंट के अंदर आती हैं। ध्वनि कान से सुनोगे, खुशबू नाक से, बिल्कुल अच्छा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो अस्टर्ड होता है, शक्ति का मात्रक होता है वो भैया वाट होता है, बड़ा अच्छा सवाल, साइंस का सवाल है। पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से बल्ब चलेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ ध्यान दें, गर्म का उल्टा होता है ठंडा, और बोलना का हो जाएगा मौन होगा या शांत हो जाएगा, शांत चित्त चलना ये तो होगा नहीं, गर्म का उल्टा तो ठंडा, और बोलना का हो जाएगा क्या, मौन, और शांत का होता है अशांत, ये भी ध्यान रखें, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ शांत नहीं होगा, और ये जो आपका शांत का, ध्यान दें शांत का आपका क्या होगा, अशांत हो जाएगा भैया, शांत का अशांत होगा, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया। अगला है कलाई में घड़ी पहनोगे, उंगलियों में भैया अंगूठी पहनेंगे, इसमें क्या है, कांच
पारदर्शी होती है भैया, कांच जो होती है पारदर्शी होती है, लकड़ी अपारदर्शी होती है भैया। लकड़ी से आप थोड़ी ना देखते हो, कांच होगा ग्लास होगा तो उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, लेकिन लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका टाइप वन था, और टाइप टू के लिए आप सभी लोग रीजनिंग वाई हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। रेलवे के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ये, यूथ कंपटीशन वाली, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।